स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकुलियन प्रिडिक्शन में। गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का मैच नंबर 30, जो कि यहां से खेला जाएगा इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। दोनों टीमों की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11, दोनों टीम अपना पिछला मुकाबला जीत के आ रही है तो बहुत ही अच्छे मतलब कॉन्फिडेंस में भी होगी, तो फुल डिस्कस किया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को स्टार्टिंग में ही एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे जुड़ने के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। जो भी मुकाबला कवर करता हूं उसकी फाइनल टीम विद गाइडेंस आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हूं। जुड़ने के लिए जैसे बताए वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक होगा, आ जाना। अगर लिंक वर्क नहीं करता है तब क्रिक 2580 इतना सर्च करना, सर्च करके भी यहां पे आ सकते हो, ठीक है। बाकी बताता चलो, ये मेरा सेकंड चैनल है तो इस प्रकार आप लोगों को यहां पर थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम देखने को मिल रहे होंगे, जो कि एक चैनल ऑलरेडी था कुछ स्ट्राइक इशू की वजह से डिलीट कर दिया गया था। तो सर्चिंग से आना तो 6 जून का मैसेज होगा पिंड किया हुआ, मैसेज चेक कर लेना। बाकी मैं खुद भी लगभग 6 सालों से फैंटेसी स्पोर्ट्स खेलता हूं, तो ये सब्सक्राइबर देखकर आप लोग मेरी स्किल्स का अंदाजा मत लगाना। और देख सकते हो यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे देखो अल्ट्रा क्लीन स्वीप वगैरह करवा देता हूँ तो आप लोग आ सकते हो। टीम से बेस्ट आप लोगों को यहाँ पे गाइडेंस मिलता है, तो आप लोग आओगे तो फिर जाने का मन नहीं करेगा, तो एक बार आ जरूर जाना, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 30 अक्टूबर को 4:30 पे मैच नंबर 30 ग्रुप 2 का खेला जाएगा अपने भारत टाइम अनुसार, ठीक है। वेन्यू देखिए पर्थ का यहाँ पे ग्राउंड रहने वाला है। पिच रिपोर्ट यहाँ पे क्या कुछ रहता है, तो दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ये सरफेस मान के चल सकते हो, मतलब सबसे तेज ये सरफेस रहती है, बॉल पड़ने के बाद बहुत तेजी से निकलती है। तो ऐसे में ना बैट्समैन अगर अच्छे से उसको टाइम करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर करते हुए दिख सकता है, नहीं तो फिर वो मतलब गिल्लिया सब बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पे बैट्समैन बॉलर वैसे दोनों को ही अच्छा खासा एडवांटेज भी मिलता है पिच से। हेड टू हेड में मुकाबले में देखते हैं तो 23 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, साउथ अफ्रीका की टीम ने 9, वहीं यहाँ पे इंडिया की टीम ने 13 मुकाबले को वन किया है। और कहीं ना कहीं इंडिया की टीम फेवरेट रहने वाली है इस वर्ल्ड कप की भी, प्रमुख दावेदार है जीतने के लिए। एक मुकाबला जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं रहा था, T20I में इस ग्राउंड पे क्या कुछ होता है। 5 मुकाबले खेले गए, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 2, चेज करने वाली टीम ने 3 मुकाबले को वन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लगभग 160 रन है, हाईएस्ट स्कोर इंग्लैंड का 208 रन 6 विकेट के नुकसान पे, पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर 106 रन 8 विकेट के नुकसान पे है। स्कोरिंग पैटर्न पे यहाँ पे नजर डालते हैं क्या कुछ स्कोर बनता है। 150 से कम 3 बार स्कोर बना, 150 से 170 के बीच में 1 बार स्कोर बना है, बाकी 170 से 190 के बीच में आज तक स्कोर बना नहीं है, और 190 से भी ज़्यादा यहाँ पे 1 बार स्कोर बना है। तो देखो यहाँ पे T20 इंटरनेशनल में ज़्यादा कुछ मुकाबले नहीं खेले गए हैं, तो यहाँ से एक्यूरेट कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे T20 डोमेस्टिक का रिकॉर्ड लिखा है, तो यहाँ से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे 21 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 13, वहीं चेज करने वाली टीम ने 8 मुकाबले को फोन किया है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे भी लगभग 170 है, ठीक है। तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर निकल के आ जा रहा है, कहीं ना कहीं से 170 बनना चाहिए, और दोनों टीम मजबूत टीम है तो 170 इतना बनना चाहिए लॉजिक के अनुसार। हाईएस्ट स्कोर पर्थ स्कॉचर का है जो कि 213 रन 3 विकेट के नुकसान पे, लोएस्ट भी पर्थ स्कॉचर का है, 79 रन बना के ऑल आउट हो गए थे। डोमेस्टिक टीम है ये ज़्यादा नहीं मैटर करेगा यहाँ पे, लेकिन स्कोरिंग पैटर्न बहुत मैटर करने वाला है। 150 से कम 4 बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच में भी 4 बार स्कोर बना है, बाकी 170 से 190 के बीच में 10 बार स्कोर बना है, और 190 से ज़्यादा यहाँ पे मात्र 3 बार स्कोर बना है। तो सबसे ज़्यादा जो कि स्कोरिंग हुई है यहाँ पर हुई है 170 से 190 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इतना ही स्कोर बनना चाहिए 170 से 190 के बीच में, ठीक है। जो कि यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर भी 170 के समथिंग है, तो दोनों टीम में से कोई भी टीम अगर फर्स्ट बैट करती है तो इतना आसानी से बन जाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम के पास बैटिंग भी अच्छी खासी है। बात करते हैं इंडियन टीम की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। तो यहाँ से देखिए इंडिया की तरफ से बात करते हैं कौन से खिलाड़ी क्या कुछ पिछले कुछ मुकाबले में स्कोर कर रहे हैं। तो देखिए पहले तो ओपनिंग करने आएंगे केएल राहुल के साथ रोहित शर्मा। अब केएल राहुल पिछले मुकाबले में थे तो वैसे नॉट आउट LBW इनको करार दिया गया था, बट इन्होंने रिव्यू ही नहीं लिया तो फिर बात ही करना बेकार है। तो पिछले 2 मुकाबले से उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चल ही नहीं पाए। बाकी रोहित शर्मा ने पिछले मुकाबले में 53 रनों का स्कोर किया था। विराट कोहली बैक टू बैक 50 जमा चुके हैं, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाया है, 62 का स्कोर पिछले मुकाबले में किए थे। सूर्य कुमार यादव ICC रैंकिंग नंबर 2 के खिलाड़ी हैं, 51 रनों का पिछले मुकाबले में स्कोर इन्होंने भी किया है। अक्षर पटेल यहां से देखो टॉप 4 में से टॉप 3 खिलाड़ी ने पार्टी ज्वाइन किया है, यहां पर राहुल सिर्फ चूक गए हैं। अक्षर पटेल के 2 विकेट थे, बाकी बैटिंग नहीं आई थी अक्षर पटेल की, हार्दिक की भी बैटिंग नहीं आई थी, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था, दिनेश कार्तिक की भी बैटिंग नहीं आई थी, बाकी रविचंद्रन अश्विन को 2 विकेट मिला था, मोहम्मद शामी को वहीं 1 विकेट मिला था, बाकी भुवनेश्वर कुमार को भी 2 विकेट मिला था, और अर्षदीप सिंह अभी तक इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट निकाल चुके हैं, 2 विकेट इनको भी मिला था।
इंडिया की तरफ से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा खिलाड़ी ओपनिंग डेथ में बॉलिंग कर सकता है। तो देखो भुवनेश्वर कुमार के साथ अर्शदीप सिंह का नाम मान के चल सकते हो ओपनिंग में, डेथ में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी, भुवनेश्वर कुमार आप लोगों को बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं, खिलाड़ी जो कि अच्छी खासी ओवर करते हैं। अब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था, तो यहाँ से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो देखिए भुवनेश्वर कुमार ने 3 ओवर की बॉलिंग की थी, बाकी अर्शदीप और मोहम्मद शमी ने 4-4 ओवर की बॉलिंग की थी। और पिछले मुकाबले में मैंने कहा था कि हार्दिक पांड्या के ओवर कर सकते हैं और सेम वैसा ही हुआ, मात्र 1 ही ओवर की बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने की और अश्विन ने 4 ओवर, वहीं अक्षर पटेल ने भी 4-4 ओवर की बॉलिंग की थी। अब देख सकते हो साउथ अफ्रीका टीम की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। पहला मुकाबला अबॉन्डेड हो गया था बारिश की वजह से, जो कि इन लोगों को जीत घोषित करा देनी चाहिए थी, जो कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था। और दूसरा मुकाबला बांग्लादेश की टीम को बहुत बुरी तरीके से हरा के आ रहे हैं, 63 रनों का स्कोर किया। नाम है क्वांटन डिकॉक, एक लेजेंडरी खिलाड़ी है। और टिम्बा बमुमा भाई 2 रनों का स्कोर किए थे, मतलब क्या मालूम क्या बंदा है ये, समझ ही नहीं आता है। रॉली रोसो 109 रनों की लाजवाब बैक टू बैक 100 लगा के आ रहे हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में। एडन मार्करम के 10 रन थे, वहीं डेविड मिलर के मात्र 2 रन थे। और ट्रिस्टन स्ट्रप्स, वार्नल पार्नल की बैटिंग नहीं आई थी, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था, पार्नल का यहां पे 0 विकेट में लिख देता हूं। तो देख सकते हो यहाँ पे बॉलिंग से विकेट नहीं मिला था पार्नेल को, वहीं केशव महाराज को 1 विकेट मिला था, कगिसो रबाडा को भी 1 ही विकेट मिला था, बाकी एंड्रिक नोकिया को 4 विकेट मिला था, और तबरेज शम्सी जो कि पिछले मुकाबले में लुंगी एंगिडी के प्लेस पे खेले थे, 3 विकेट इनको मिला था। अगर इनके तरफ से ओपन डेथ बॉलर चेक किया जाए तो एंड्रिक नोकिया के साथ कगिसो रबाडा को ओपनिंग में मान के आप लोग चल सकते हो, वहीं डेथ में कगिसो रबाडा, एंड्रिक नोकिया और वार्न पार्नेल को आप लोग मान के चल सकते हो, खिलाड़ी जो कि इनके तरफ से अच्छी खासी आप लोगों को ओवर करते हुए दिख सकते हैं। तो देखो प्रॉपर 5 ही बॉलर के साथ ये लोग उतरते हैं, ज्यादा बॉलर ये लोग यूज करते नहीं है। तो पिछले मुकाबले में देखिएगा तो रबाडा के 3 ओवर थे, पार्नेल के 2 ओवर थे, नोकिया लगभग 4th ओवर लेकर आ गए थे, वहीं महाराज और शम्सी ने 4-4 ओवर कंप्लीट कर लिए थे दोनों स्पिनर ने। बाकी साउथ अफ्रीका के यहाँ से देख सकते हो ओवरऑल सारे खिलाड़ी को रिकॉर्ड है, अगर आप चाहो तो बिल्कुल रीड वगैरह करके चल सकते हो, आप लोगों को ग्रैंड लीग में स्पेशली ये काम आ जाएगा। लुंगी एंगेडी देखो 32 मुकाबले में 51 विकेट इनके नाम है, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं। बाकी इंडिया के भी ओवरऑल सारे खिलाड़ी को रिकॉर्ड है, अगर कोई खेले तो देख सकते हो, जहां तक मुझको लग रहा है कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए क्योंकि सामने वाली टीम काफी मजबूत है। तो अगर इंडिया की टीम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है तो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही खेलना चाहिए, बाकी अगर कोई खेल लेता है सपोज तो आप लोग बिल्कुल यहां से रीड करके चल सकते हो। बाकी चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, देखते हैं इस मुकाबले से रिलेटेड हमारी क्या कुछ टीम बनकर रेडी हो रही है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस किया जाए, उससे पहले बताना चाहूंगा प्लीज आप लोग पहले वीडियो देख कर आना, तभी आप लोगों को जो चीज़ मैंने बताऊंगा आप लोग अच्छे से उसको समझ पाओगे, तो वीडियो देख कर आना। बाकी जो लोग ऑलरेडी वीडियो देख कर आ रहे हैं, होप उनको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना आप लोग, और जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। अब देखो विकेट कीपर ऑप्शन में सबसे सेफ में आप लोगों को क्वांटन डिकॉक मिलेंगे, यहाँ तक कि आप इनको CVC भी ट्राई कर सकते हो, एक तो ओपनिंग करेंगे प्लस बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, उसके साथ साथ विकेट कीपिंग करेंगे। बाकी जितने खिलाड़ी हैं ये तो वैसे देखो दिनेश कार्तिक खेल रहे हैं लेकिन काफ़ी नीचे खेल रहे हैं, बाकी क्लासन और पंत खेल नहीं रहे, तो इन लोगों के बारे में बात करने की भी कोई आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। बात करते हैं देखो यहाँ से बैटिंग सेक्शन की, तो देखो ये जैसे मैंने कहा है ये मुकाबला टॉस पे भी काफी हद तक डिपेंड करने वाला है कि कौन सी टीम फर्स्ट बैट और बॉल कर रही है। तो देखो फिलहाल अगर इंडिया की टीम फर्स्ट बैट करेगी, यहाँ से सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल को टीम में मैंने ट्राई किया है, लेकिन अगर इंडिया की टीम चेस करेगी तो कोई एक को मैं छोड़ सकता हूँ, बाकी यहाँ से रॉली रोसो को टीम में ट्राई किया, लाजवाब ये मतलब फॉर्म में है। बाकी अगर देखो साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बैट करेगी तो मैं डेविड मिलर को ले सकता हूं राहुल के प्लेस पे या फिर रोहित शर्मा के प्लेस पे, फिलहाल के लिए मैंने रोहित और राहुल को ही लिया है। बात करते हैं देखो यहां से ऑलराउंडर सेक्शन, तो हार्दिक पांड्या, एडम मार्करम, अब आप चाहो तो एडम मार्करम के प्लेस पे भी यहां से मिलर को ट्राई कर सकते हो, लेकिन एडम मार्करम एक लाजवाब बैट्समैन है, ठीक है, पिछले मुकाबले में इनका परफॉर्मेंस नहीं आया क्योंकि ये मतलब उतने बड़े हिटर नहीं है, लेकिन आप लोगों को कंसिस्टेंसी मशीन नहीं है, आप लोगों को आराम से एंकर का रोल अदा करके मतलब हीटिंग करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा बांद्रे रसल वाली ताकत इनके अंदर नहीं है, तो आप लोगों को अच्छा खासा थोड़ी गेंदे खेलने को मिलेगी तो स्कोर करके दे सकते हैं, बाकी पार्ट टाइम कुछ बॉलिंग भी करके दे सकते हैं अगर सामने लेफ्ट हैंडर हुए हैं तो, ठीक है। बाकी बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, तो अर्शदीप सिंह, एंड्रिक नोकिया, मोहम्मद शमी को ही मैंने सिर्फ टीम में ट्राई किया है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा मैच काफी हद तक ये पहले तो टॉस पे निर्भर करने वाला है, मान लो इंडिया की टीम सपोज फर्स्ट बॉल करती है तो यहां से मैं भुवनेश्वर को भी टीम में ट्राई करके चल सकता हूं, और वहीं अगर साउथ अफ्रीका की टीम फर्स्ट बॉल करेगी तो हो सकता है एक बैट्समैन कम करके कगिसो रबाडा को टीम में ट्राई करके चल सकता हूं, जो कि डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं।
वैसे देखो दोनों ही टीम बहुत मजबूत टीम है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाने में काफी कुछ मतलब डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो आप लोग यही कहूंगा इन्वेस्टमेंट लेस करना, इंडिया की टीम को सपोर्ट करना, फैंटेसी बाद में होता है, देश पहले होता है, ठीक है। बाकी बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो बहुत सारे लोग विराट कोहली को कैप्टन बना रहे हैं। दोस्तों मेरे कैप्टन यहाँ से आज के मैच में क्विंटन डिकॉक रहने वाले हैं। वीसी के तौर पर मैं यहाँ से हार्दिक पांड्या के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो रिवर्स कर सकते हैं, क्विंटन डिकॉक जो कि एक लाजवाब खिलाड़ी है, ओपनिंग के साथ साथ विकेट कीपरिंग करेंगे, तो इस वजह से टीम के कैप्टन है वीसी हार्दिक पांड्या। इस मुकाबले में आप लोगों को ओवर करते हुए दिख सकते हैं सामने, क्योंकि मजबूत टीम है। बाकी फाइनल टीम है ना, जैसे मैंने कहा है आप लोगों से कि फाइनल टीम के लिए आ जाना आप लोग टेलीग्राम पे, या सब्सक्राइबर वगैरह देखकर जज मत करना, सेकंड चैनल है, आप लोग आओ अपने मतलब स्वागत का मौका दो मुझको, आओगे तो जाने का मन नहीं करेगा, इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, नहीं तो Cricket2580 इतना चेक कर लेना, पिंड मैसेज देख लेना, अगर सर्चिंग से आना 6 जून का मैसेज होगा तो सही जगह पे आए हो, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल वगैरह क्रिएट किया हुआ है। तो होप वीडियो अच्छी लगी हो, और खुद भी लगभग मैं 6 सालों से फैंटेसी खेलता हूँ, तो वीडियो को लाइक करना, जो लोग चैनल पर होंगे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।